बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, आज भी मेरे लिए डिफिकल्ट है उतना ही. बट देन वन थिंग आई वुड लाइक टू से, लाइफ गोज ऑन नो मैटर वॉट. जो खास बोल के गए कि अगर मेरे लिए नहीं, आई शुड नॉट बी सेइंग दैट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगर मैं खतरों के खिलाड़ी में नहीं जाती तो डेफिनेटली आज मैं डिप्रेशन में होती, क्योंकि अगर मैं नहीं जाती तो मुझे पता भी नहीं कि मैं आज जिंदा भी होती कि नहीं, क्योंकि मैं उस डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि ऊपर से शहीद थे मेरे साथ. तो आई वाज लाइक कि आई हैव टू डू दिस. रिलेशनशिप में मैंने दर्द दिया है, बट असल की जिंदगी ने मुझे दर्द दिया है. ऑब्वियसली शहीद को देख के लगता है कि वो है, बट पता नहीं है ना. सो गुड परफॉर्मर्स, सो गुड एक्टर्स, और अबव ऑल दे आर वेरी गुड ह्यूमंस, यू नो, बहुत अच्छे इंसान है. हाँ, वो बेसिक लेसन यही दिया है उनने कि जिंदगी छोटी सी है, अपनी तरह से जियो, खुश रहो और खुशी ही बांटो सब में. तो बेसिक लेसन वो, अगर वो उन्होंने दिया है, सब अंदर चल रहा है बट मेरे सामने उन्होंने दिखाया नहीं मुझे ना, दैट्स व्हाट आई, मैंने उनसे वो सीखा है. मेरे दिमाग में बस निकी आई थी, तो और कोई नहीं है, निकी ही है. दोस्तों के लिए तो और कोई खड़ा होता है, तो आई एम विद रुबीना एंड प्रतीक. हेलो, मैं हूँ आशीष, और हसीनाओं ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन आप क्या कहेंगे जब मैं ये बोलूं कि वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग गाय, द हैंडसम हंक शहीर शेख को किसी हसीना ने रोना सिखा दिया है. तो वो कौन सी हसीना होगी आपको दिखाना चाहूंगा. ये है द गॉर्जियसली टैलेंटेड निकी तंबोली, और पाजी तो है ही साथ में, द हिट मशीन रामजी गुलाटी, जिनको मैं बोलता हूँ, मतलब पाजी क्या करके मानोगे आप, इतना रुला रहे, और एक दिल तोड़ू मशीन है हमारे साथ निकी, और आप हैं जो मतलब इतने सालों से लोगों को रुला रहे हैं, रोमांस करना सिखा रहे हैं, हंसा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं. क्या कहेंगे अपने, मतलब ये फ्रेशेस्ट प्लेयर जिसको मैं बोलूंगा. एक हसीना इस सॉन्ग व्हिच इज वेरी वेरी क्लोज टू मी, एंड आई थिंक वन ऑफ माय बेस्ट फेवरेट्स, आई वुड लाइक टू से, यू नो, एंड आई रियली वांटेड टू वर्क फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. मैं सोचा था एक गाना हो जिसमें हम साथ में, यू नो, काम करें, एंड आई थिंक दिस वॉज द सॉन्ग. जब गाना बना मुझे लगा ये गाना है विच, यू नो, आई शुड गो एंड हैव एन अप्रोच की ये हम साथ में करें. एंड आई एम सो हैप्पी व्हेन आई, यू नो, गाना मिला एंड ही लव द सॉन्ग. एंड जब गाना बना था, यू नो, व्हेन वी मेकिंग द सॉन्ग, आई कुड ओनली हैव निकी ऑन प्लेस. एक हसीना ने जो लाइन थी ना, आई कुड ओनली हैव निकी, नो सेकेंड थाट एट ऑल, दैट I think only she was the perfect one who would fit in this role. और मुझे एक बहुत ही fresh और अच्छा pair, you know, दिख रहा था. And I said we should do this. इतना अच्छा audio बना है. If we have good, when you have on a good audio, when you have good actors, you have good stars, इसमें जब अच्छे visuals बनते हैं तो एक audience के लिए एक treat बन जाता है वो. तो I think this is a very good audio visual treat जो सब पसंद कर रहे हैं. Because they are so good performers, so good actors, और above all they are very good humans, you know, बहुत अच्छे इंसान हैं. That's how, you know, I could get all of this and with their support, you know, और बहुत मज़ा आया. And I think with this song, you know, I've just got a family, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. भाई मतलब ये जो दिल तोड़ू हसीना है, इनके साथ आपने दिल तोड़ू कैसा रहा भाई इसके पहले, क्योंकि रोमांटिक अंदाज आपका देखा हुआ है, ये जो इस तरीके का जो लोगों का दिल रुला रहा है, तोड़ रहा है, वैसा वाला अंदाज अलग ही है. कॉन्सेप्ट भी सॉन्ग की तरह, सॉन्ग बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, तो कॉन्सेप्ट भी खूबसूरत था और सिंपल था. ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो ऑडियंस की समझ में नहीं है, तो मुझे समझ में आया, मैंने कोशिश की उसे दर्शाने की. और मुझे अभी भी याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम इनसे पूछा था कि कौन है मेरे ऑपोजिट, इन्होंने तब भी यही जवाब दिया था कि जब मैंने गाना बनाया था तब भी मैं, मेरे दिमाग में बस निकी आई थी, तो और कोई नहीं है, निकी ही है. और आई थिंक शी हैज डन जस्टिस टू द कैरेक्टर, जो बहुत खूबसूरती से दर्शाया उनने. और हमने भी कोशिश की है कि इसको अपनी तरफ से जितना अच्छे से ज़्यादा अच्छा हो सके कर पाएँ, जितना हमारे पास टाइम और वो सब की लिमिटेशन थी. और जब एंड रिजल्ट देखा तो आई वाज ब्लोन अवे. मैं हमेशा कुछ चीज़ें निकालता हूँ, अब मैंने कुछ नहीं बोला ना, मैं हमेशा बोलता हूँ ये शॉट हटा दो, वो शॉट मत लगाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ. मैंने बोला पाजी इट्स परफेक्ट, बेस्ट है, इससे बेटर नहीं हो सकता. हसीना और हार्ट ब्रेकर दोनों एक साथ टैग मिला है, ये कैसे देखते हो आप इसको?
See, I knew Shahir from the beginning. I was looking forward to work with him. और जैसे ये गाना मेरे पास आया, मैंने सुना तो कॉन्सेप्ट तो मैंने विजुअलाइज कर दिया था कि दोबारा मुझे ही दिल तोड़ना है. आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग कि मेरे पास ऐसा कोई गाना है, मतलब जो लड़के मेरा दिल तोड़े, यू नो. बट गाना इतना खूबसूरत था, उसके ऊपर से शहीद थे मेरे साथ, तो आई वॉज लाइक कि आई हैव टू डू दिस. ना बोलने का कोई रीज़न ही नहीं था. आप एंजॉय कर रहे हो उस टैग को? नहीं नहीं, बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही हूँ, बट आई थिंक सो मैंने गाने को जस्टिस किया है. एंड एज दे आर सेइंग कि आई वॉज द फर्स्ट थॉट इन द हेड की इन हिज हेड की निक्की ही चाहिए मुझे, तो आई होप मैंने जस्टिस किया हो सर. थैंक यू शहीर भाई. मतलब अरिजीत के बाद ये दूसरी ऐसी है, मतलब वो मेल वर्जन है, ये रुलाने में सबसे आगे बढ़ रही है लड़कों को रुलाने में. बट आई गेस वही इमोशन के साथ सॉन्ग सुनेंगे जो लोग सॉन्ग सुनेंगे, उन्हें भी कुछ यादें ताजा होंगी उनकी. हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोगों का दिल टूटा हुआ, आई थिंक दे एंजॉय इट. मतलब आई यूज्ड टू एंजॉय इट. वो एक फेज होता है जो आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है दाढ़ी बढ़ा लें, कुछ खाएं पिए नहीं कुछ हफ्ते. भाई का तो पता चल गया, उन्होंने पहले भी बताया है कि वो एक फेज था, उन्होंने वो एंजॉय किया. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मुझे तो नहीं लगता आपके साथ ऐसा हुआ. आपने दूसरों को ही दर्द दिया होगा, आपने दर्द लिया है रिलेशनशिप में? मैंने दर्द दिया है, बट असल की जिंदगी ने मुझे दर्द दिया है. या आपके लिए वैसे फैंस बहुत ज्यादा, मतलब मुझे लगता है दिल जोड़ते भी हो आप, फैंस का बहुत ज्यादा दिल जोड़ा है आप दोनों के लिए बोल सकता हूँ. इवन पाजी आप तो अपने गानों से भी जोड़ते हो काफी. या मतलब हाँ, मतलब नॉट ओनली फैंस बट इवन माय फ्रेंड्स एंड द अदर ऑडियंस हु हेट्स मी, दे विल डेफिनेटली रिलेट टू द सॉन्ग, क्योंकि दिस इज अ सैड इमोशनल रोमांटिक काइंड ऑफ अ सॉन्ग. तो आप भी हो, हर कोई रिलेट करेगा. सॉन्ग सुनो एक बार तब पता चलेगा, कब कोई ना कोई किसी ना किसी को तो मिस जरूर करेगा, बिकॉज इट्स अ नेचुरल ह्यूमन नेचर ना, कि होता है ये असल की जिंदगी में. हमने कुछ ऐसा अलग नहीं बनाया है एकदम भी कि आउट ऑफ द बॉक्स है, दिस इज नॉर्मल. एंड आई थिंक सो ही हैज डन अ ग्रेट जॉब कि ऐसे गाने, क्योंकि लोगों को पसंद है सैड सॉन्ग सुनना गाने. मतलब मैं जिम में भी जाती हूँ तो मैं दुख भरा गाना सुन के जाती हूँ. या जिम में कौन सुनता है? नहीं नहीं नहीं, जिम में जाती हूँ तो ज्यादा वेट उठाओ और मेहनत करो. अब तो बताती हूँ इसे. मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं दुख भरे गाने सुन के ही मेरा सब. मैं आपको ना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ, अगर ऐसा हैंडसम बंदा होता रियल लाइफ में तो क्या उसका दिल तोड़ते आप? डिपेंड्स ऑन माय मूड. आई लव दिस. ये निकी बोल सकती है. या मतलब परफेक्ट लड़का मिलना बहुत ऑब्वियसली जरूरी है, बट हम जैसा सोचते हैं हमारा सपनों का राजा वैसे नॉर्मली मिलता नहीं हो. ऑब्वियसली शहीद को देख के लगता है कि वो है, बट पता नहीं है ना. उनकी फीमेल फैन से पूछिए आप, मतलब आपको पता चला ही होगा जब आप. ऑब्वियसली फीमेल भी, और पता नहीं क्यों मेल भी मुझे बोल रहे कि निक्की आप सबका दिल तोड़ सकते हैं, इनका नहीं तोड़ सकते. बट मैं कैसे बोलूं, इट्स जस्ट एन एक्ट. और चलो आप लोग रिलेट करो ना. क्योंकि मैं जानता हूँ वन ऑफ द प्योरेस्ट सोल. या एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट. या फेक नहीं है. नो डाउट. या भाई ये कैसे कर लेते हो आप? नो बट समटाइम्स यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट दैट यू आर अ गुड ह्यूमन. या पाजी दुबई तो मतलब आपका सेकंड घर ही हो गया. आप वहां पर ऐसे ऐसे गाने आप निकाल रहे हो ऐसे, और ऐसे फ्रेश पेयर, मतलब आप ही ला सकते हो इन ऐसे बड़े स्टार्स को एक साथ में, कैसे कर लेते हो हर बार? अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, ऑलवेज आई ट्राई कि मैं कुछ अलग करूं. एंड यू नो जो एक गाना होता है उसको जस्टिस मिले, आई थिंक इस गाने को परफेक्ट एक प्योरिफिकेशन मिला, यू नो. एंड आई एम सो हैप्पी आई डिड दिस.
आई फील जो इंसान दिल का साफ होता है ना, वो जो उसकी तरह के लोग होते हैं, मतलब उस तरह के लोग होते हैं, वो उनसे जल्दी कनेक्ट कर लेता है, और उसके ऊपर वाले की भी मेहर होती है। मतलब अगर ये नहीं भी चाहे ना, तब भी इनके साथ अच्छा ही हो, मतलब इवन इफ ही इज गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, ऊपर वाला इनको सही रास्ते पे डाल देगा। आई फील सो बिकॉज ही इज अ काइंड हार्टेड सोल, और मुझे जितना मैंने टाइम स्पेंड किया उनके साथ कि इनके लिए शायद अपने आप आसान हो गई सारी चीजें, और मेहनत तो है ही ऑफ कोर्स इनकी, मगर सही डायरेक्शन भी मिलना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। एंड आई एम श्योर इन फ्यूचर आल्सो ही इज गोना कीप एंटरटेनिंग अस, और ऐसे ही रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते रहेंगे, हिट सब हिट मशीन हिट देते रहे। आप तीनों ने एक दूसरे से सेट पे या अदरवाइज क्या सीखा एक दूसरे से? मैंने इनसे सीखा, आई विल टेल यू ऑनेस्टली व्हाट, जब मैं इनके साथ गाना शूट करने गई थी, सॉरी आई शुड नॉट से दिस बट ही जस्ट लॉस्ट हिज फादर एंड आई लॉस्ट माई ब्रदर लास्ट ईयर, और मैं हूँ कि मैं जल्दी निकल के नहीं आ सकती, क्योंकि हर किसी का नेचर अलग होता है, और मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा ये स्ट्रांग है, क्योंकि जब मैं इनसे मिली मुझे लगा मैं आई वॉज शिवरिंग कि मैं कैसे, मतलब मैं क्या ही बात करूँ, कि मतलब अपसेट तो हर कोई होता है, बट वो दिखाना एक अलग होता है, कैमरा के सामने आप नहीं दिखा सकते, अंदर से आप फूट फूट के टूटे हुए हो, बट व्हेन आई मेट हिम ही वाज लाइक ही वाज सो ये कि मतलब अंदर चल रहा है, बट मेरे सामने उन्होंने दिखाया नहीं मुझे ना, दैट्स व्हाट आई मैंने उनसे वो सीखा है कि मुझे भी मैं नहीं सीख पाती हूँ, मतलब मैंने सीखा नहीं है कभी कि अगर कुछ अभी इंसिडेंट हुआ है एक हफ्ते पहले और अगर मैं कैमरा के सामने नहीं हूँ तो आई एम सैड, बट मैंने इनसे सीखा है कि दिस इज नॉट जस्ट लाइफ, आगे भी जिंदगी है एंड यू शुड जस्ट यू नो चलती रहनी चाहिए जिंदगी। इट वॉज वेरी बैड फेस फॉर यू एंड बोथ ऑफ यू, फॉर हिम मोर, क्योंकि वो जस्ट आए थे शूट पे, यू नो, सो दिस इज वॉट आई लर्न फ्रॉम यू कि बी स्ट्रॉन्ग नो मैटर वॉट, ठीक है, ये मैंने सीखा। भाई इमोशंस कंट्रोल करना भी बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल है जो मैंने सीखा है, खासकर मतलब आपके जैसे, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा कि प्योर सोल हो, दिखता है, ट्रांसपेरेंट हो, कैसे रोक पाते हो? यस, मैं जो भी हूँ इट्स बिकॉज ऑफ व्हाट ही हैज टॉट मी माय फादर, और वो जब तक थे उनने हमेशा कोशिश की अपनी तरफ से कि खुशियाँ बांट, मैंने व्हाटएवर टाइम आई हैव स्पेंट विद हिम, व्हाटएवर आई एम, मतलब मैं उनका शायद 20% हूँ, 10% हूँ, आई डोंट नो, मैं उनके जैसा कभी नहीं बन सकता, बट आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स बट आई वुड नॉट बी एबल टू वांट टू से, क्योंकि काफ़ी पर्सनल चीज़ें हैं, बट हाँ वो बेसिक लेसन यही दिया उनने कि ज़िंदगी छोटी सी है, अपनी तरह से जियो, खुश रहो और खुशी ही बांटो सब में, तो बेसिक लेसन अगर वो उन्होंने दिया, जो ख़ास बोल के गए कि अगर मेरे लिए नहीं, I should not be saying that. So let's move forward. आप सभी से पूछना चाहूंगा कि पिछला 2 साल जो रहा है ना, हर किसी के लिए बड़ा खराब रहा है, और आप दोनों ने पर्सनली अपनी लाइफ में बहुत ही खराब फेज देखा है, कैसे बाउंस बैक करते हो, कैसे अपने आप को खड़ा करते हो, क्योंकि आप लोग एक इन्फ्लुएंसर, इंस्पायर करते हो लोगों को, क्या कुछ कहना चाहोगे अपने फैंस से? See, honestly, 4th May को मेरे ब्रदर की डेथ हुई थी, एंड 5th आई फ्लू टू केप टाउन, इट वॉज द वर्स्ट डे इन माई लाइफ कि पेरेंट्स को अकेले छोड़ के मुझे जाना था, क्योंकि मेरे कमिटमेंट्स थे और इंडस्ट्री में मैंने सिर्फ पैर रखा था, हालांकि मुझे उन्होंने कहा था इफ़ यू आर नॉट फीलिंग ओके यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट, बट मैंने कहा कि इतने जल्दी टैंट्रम्स ना दिखाओ, विच इज़ एंड आई एम पैशनेट अबाउट माई वर्क, मेरा भाई कभी नहीं चाहता था कि मैं दुख भरी रहूँ या डिप्रेशन में रहूँ, बट दिस आई वुड लाइक टू से टू माई फैंस, अगर मैं खतरों के खिलाड़ी में नहीं जाती तो डेफिनेटली आज मैं डिप्रेशन में होती, बट मैंने वो ओवरकम किया, क्योंकि मेरा वो डिसीजन जो था खतरों में जाना, इट वॉज आई थिंक सो द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, क्योंकि अगर मैं नहीं जाती तो मुझे पता भी नहीं कि मैं आज जिंदा भी होती कि नहीं, क्योंकि मैं उस डिप्रेशन में चली गई थी, बट थैंकफुली मैं 1.5 महीना अपने फैमिली से दूर रही, मैंने उनसे बात नहीं किया 1.5 महीना, मुझे पता नहीं था कि मेरे मॉम डैड रो भी रहे हैं या क्या कर रहे हैं, आई वॉज नॉट इवन टॉकिंग टू माई मैनेजर, मुझे फोन्स आ रहे थे, मैं टूट गई थी ऑब्वियसली, मतलब आप ही वॉज जस्ट 28, मैं टूट के बिखर गई थी, बट देन थोड़ी सी हिम्मत आई एंड देन सम हाउ, मतलब मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि मैंने कैसे
लाइफ में बाउंस बैक किया है, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. आज भी मेरे लिए डिफिकल्ट है उतना ही. बट देन वन थिंग आई वुड लाइक टू से, लाइफ गोज ऑन नो मैटर वॉट. बाजी थोड़ा आप गाने पे चलते हैं क्योंकि बहुत सीरियस और बहुत इमोशनल, सभी मैं जानता हूँ हम सब इतने इमोशनल लोग हैं. शूट के बारे में कुछ बताइए. सॉरी क्योंकि किसी और टेंजेंट पे चले गए थे. शूट के बारे में बताइए, कैसा माहौल था, क्या कुछ किया, कैसी केमिस्ट्री रही इन सब की? हाँ, शूट पे बहुत मज़ा आया. और शूट के पहले हमने बहुत ज़्यादा प्लानिंग की थी इस गाने को लेके, बिकॉज दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई रियली वॉन्टेड कि इसका हर एक फ्रेम, हर एक ब्लॉक इतना बढ़िया लगे, क्योंकि यू नो इट्स एन इमोशन, बट विद इमोशन व्हेन यू हैव ग्रेंजर एंड यू नो मुझे वो चाहिए था, बिकॉज आई नो आई हैव फैंटास्टिक एक्टर्स ऑन द ब्लॉक. मैं चाहता था कि इमोशन के साथ अच्छा भी लगे, यू नो एक डिफरेंट विजुअल मैं भी लेके आऊँ, बिकॉज इट वॉज अ ह्यूज चैलेंज फॉर मी. मैं काफ़ी दुबई में वीडियोज़ करते रहता हूँ एंड यू नो आई हैड टू डू समथिंग डिफरेंट एंड विद लॉट ऑफ वेरिएशंस, लॉट ऑफ इमोशंस. And I would like to thank them for making it possible, because जो output है, yes. लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं, आप क्यों जानना चाहूँगा? इतना मतलब जब आप मेहनत करते हैं, obviously काम आपका पसंद आए लोगों को, वो importance मिले उसके लिए करते हैं. अब जब लोग उसको सराह रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, आप सबका reaction क्या उसपे? अच्छा लग रहा है, of course. Feeling very good. I think बेस्ट फीलिंग होती है जब आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है, अगर आपने किसी चीज़ में एफर्ट डाला है और वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं उस चीज़ को, उससे हम ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि हमें और क्या अच्छा करना है, नेक्स्ट क्या है, यू नो. मतलब फैंस ही हमारा मोटिवेशन होता है, क्योंकि हम पहला स्टेप बढ़ाते हैं तो हम डरे हुए रहते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, ये जो हमने बनाया है, ये जो हमने गाना शूट किया है, इसको पसंद करेंगे कि नहीं. और इस तरीके से जो हमें रिस्पॉन्स आता है, इससे हमें हिम्मत मिलती है, यार वाओ इट्स नाइस. हमारा कम जो आया है, मतलब जो इनपुट डाला है और जो आउटकम आया है, वो बहुत अच्छा है. सो वी फील ग्रेट, वी फील वी आर ब्लेस्ड. इन गाने का एंड हमने एकदम ओपन रखा है, यू नेवर नो, पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा. बिल्कुल आना चाहिए. रोशन हां, ये उन्होंने दिल तोड़ने वाली हसीना ने रियलाइज किया, इस बार शायद जोड़ दें, पता चले मेरा ही दिल टूट जाए, बदला लेने का मौका. जो जो वो डिसाइड करें. और कई सारे फैंस कमेंट भी कर रहे हैं गाने के नीचे कि दोनों को लेके फिल्म भी बनानी चाहिए, तो सिर्फ टीजर है, गाना ही है, क्यों नहीं फिल्म क्यों नहीं बनाएं? तो क्या देख सकते हैं? और आप दोनों से पूछना चाहूंगा, क्या किसी अब क्योंकि फैंस बहुत ज्यादा ये चाहते हैं, रियलिटी शोज हो गए, गाने हो गए, अब फिल्मों में वेब सीरीज, ये सब का भाई तो बहुत सारी चीजें कर ही रहे हैं आप. मैं चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसके नसीब में जो जब लिखा है वो तभी आएगा. तो आई जस्ट वॉन्ट टू कीप ट्राइंग इट, और जब नसीब में लिखा है वो तब आएगा. क्योंकि नसीब में मैंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि मैं बिग बॉस में जाऊँगी, बट वो लॉकडाउन हुआ, नसीब में बिग बॉस लिखा था, वो बिग बॉस हुआ. खतरों में मुझे जाना ही नहीं था, क्योंकि मुझे चींटी से भी डर लगता है, बट वो भी हुआ. तो इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी आई फील, और उस पर छोड़ देना चाहिए. बट हाँ, वन थिंग इज कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपको मेहनत करनी है हर चीज़ के लिए. जिसके लिए आप पैशनेट है वो सब कीजिए, लाइफ में कभी ना कभी वो सब जोड़ के एक हो जाता है. मैं बहुत समझदार हूँ, इतनी सारी समझदार बातें एक साथ एक साथ करते हो, कुछ मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं था. अच्छा, इतनी अच्छी बात. आप बड़े बड़े सलमान खान, रोहित शेट्टी जैसे लोगों को भी चुप करवा देते हो? नहीं, मैं अरे वो तो बस चुप नहीं करवाती हूँ, मैंने हर किसी से सीखा है. जैसे मैंने इनसे जो सीखा है, मैंने खतरों के खिलाड़ी में भी रोहित सर से सीखा है कि ही वॉज लाइक कि बेटा बेटा करना. तो मैंने सीखा है कि यार लाइफ में हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए. ऑब्वियसली आई रिग्रेट कि मैंने नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाई, बट वो एक सीख तो मिली कि लाइफ में हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए. वैसे मैंने सलमान सर से भी बहुत चीज़ें सीखी, वैसे सबसे सीखा है मैंने. आप परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन फैंस के दिल में तो जगह बना ही लिया आपने लगातार. भाई आपसे पूछना भूल गया, इनसे आपने क्या सीखा? एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वो रियलाइज नहीं करते हम, दूसरे इंसान को कंफर्टेबल फील कराना. जो एटमॉस्फेयर वैसा क्रिएट हो जाता है, अननोइंगली हो जाता है,
अगर आप उस चीज को कंसिडर नहीं करो और अपनी धुनकी में रहो, इन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। इवन दो वो कर सकती थी, पहली बार मिली थी मुझसे, लेकिन ऐसा एक हेजिटेशन, एक स्माइल ना करना, वही दूसरे पर दूसरे इंसान को, एक्टर को पीछे कर देता है, यू नो, कि मैं शायद वो कंफर्टेबल फील नहीं करता बेसिकली। लेकिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट शॉट उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया, जो मेरे लिए सीख थी कि कल को अगर मैं किसी नए इंसान के साथ शूट कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना है टू मेक श्योर दैट वो अनकंफर्टेबल ना फील करे। अजी आपने दोनों से क्या सीखा? जो अपने स्पेस में रहना पसंद करती हूँ एंड नॉट टैंट्रम्स, बट मुझे अपना स्पेस पसंद है। बट व्हेन इट कम टू मतलब एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ अ न्यू एक्टर, मैं अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहती। जो उनका दिल करे, जैसा उनको कंफर्टेबल हो, वैसे रूप चेंज करती हूँ। क्या बात है, रूप की रानी। सब नाम दे दो मुझे। रूप की रानी। और आप लोगों के दोस्त काफी कुछ, अब रियलिटी शोज की बात आ रही है तो खतरों में आपके दोस्त गई हुई हैं, इवन बाकी लोग भी हैं, बिग बॉस से गए हुए हैं, किसको आप किसके लिए रूट कर रहे हो? देखो, खबर तो मेरे पास सब है कि कौन टिका हुआ है और कौन निकल गया है, बट वो सब मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आई लव टू गॉसिप। बट ऑब्वियसली आई नो रुबीना एंड प्रतीक, तो ऑब्वियसली उनके लिए मैं अभी तो चालू भी नहीं हुआ है, बट दोस्तों के लिए तो और कोई खड़ा होता है, तो आई एम विद रुबीना एंड प्रतीक। नहीं, मैंने देखा नहीं है, मगर जो ही पहली फुर्सत मिल मैं जरूर देखूंगा और कोशिश करूंगा अपने फेवरेट लोग चूज करने की उसमें से। या हाय गाइस, आई एम निकिता मोली, आई एम हियर एट लॉट ऑफ द ड्रिंक्स एंड आई एम जस्ट गोना पास फॉर द एंबियंस इज अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग अस, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। या दिस इज चेकिंग इन बाय द वे। बट यू आर माय सुनामी खिलाड़ी एंड आई रियली लव द लॉट ऑफ द ड्रिंक्स। आई कम हियर विद माय फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑलवेज एंड एंजॉय हियर। And I genuinely love this place. I love the ambience, I love the food, I love the music, everything is perfect. Thank you.